अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज संडे का दिन था, सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने कहा आज शॉपिंग वगैरह करनी थी, ग्रोसरी वगैरह की थोड़ी। तो हम घर के पास ही एक मार्ट है, तकरीबन हम मार्ट है उस पर हम चले गए और उधर से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। बस यही थोड़ा बहुत खाने पीने की जो सामान था वो लेने चले गए। और महंगाई तो इस कदर हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान क्या ले क्या ना ले और क्या छोड़े। और हर चीज़ की ये कीमतें जो है वो तकरीबन आसमानों पे पहुंची हुई हैं। आज असल में शॉपिंग करने इसलिए आए थे क्योंकि आज अप्रैश को छुट्टी थी। फिर अप्रैश का ये होता है कि स्कूल का होता है रोज़ाना का, फिर स्कूल से वापस आती है, फिर टाइम नहीं होता। और दिन को जब हम आए हैं अभी, तब भी इतनी गर्मी थी, इस हद तक गर्मी है कि बस बिल्कुल हाथ पाँव जैसे जल गए हैं। फिर इधर हम आए, इधर इतनी वीडियो बनाने की अलाउ तो नहीं था। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत वीडियो मैं शेयर कर दूँगी। थोड़े थोड़े मैंने क्लिप लिए हैं, फिर मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। फिर इधर से अप्रैश रुबाब के लिए हमने लेना था, दूध लेना था, क्योंकि ये जब तक रात को सोते टाइम एक कप दूध ना पिए उस टाइम तक ये सोती नहीं है। तो भी बच्चियाँ भी थी, फिर मैंने कहा चलो दूध तो भी ज़ाहिर है इनको हक बनता है, तो खुला दूध वगैरह इसलिए मैं नहीं देती क्योंकि आपको पता है ना बीमारी वगैरह आई हुई है जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह में, जानवरों में। तो फिर उस वजह से मैंने खुला दूध उस वजह से नहीं देती। तो उसके लिए उन्होंने, हमने इनसे इनके लिए नीडो लिया और अपनी चाय के लिए जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं एवरीडे लिया। और यही एवरीडे भी इतना महंगा हो गया है, और लेकिन यह है कि इसकी चाय अच्छी बनती है। जो डिब्बे वाला दूध होता है उसकी चाय पीने नहीं होता, उसका जायका अजीब सा होता है। फिर एवरीडे दूध वगैरह लेने के बाद कुछ और थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लिया। सामान वगैरह लेके फिर हम उधर काउंटर पे चले गए, उधर बिल वगैरह बनवाया। बिल बनवा के फिर हम घर आ गए। आज अप्रैश की तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी, उसको फ्लू हुआ हुआ था और बुखार भी था, तो उस वजह से वो तो काफ़ी निडाल हुई हुई थी। फिर उधर ज़ाहिर है बच्चे मार्ट पर जाते हैं, उधर आपको पता है कि आइसक्रीम वगैरह भी होती है, तो उधर तो वो बहुत ज़िद करते हैं आइसक्रीम वगैरह के लिए भी। तो इसके ये बस इसी लालच पे ये जाती हैं कि हमें जो उधर से आइसक्रीम मिलेगी, बाकी इन्हें कोई और इतना ज़्यादा खाने पीने का शौक कोई नहीं है कि हमने ये भी लेना है ये भी लेना है, बस इनको एक उधर से आइसक्रीम चाहिए। खैर सबके बच्चे ऐसे करते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है ये भी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी हमसे ज़िद ना करें, हम माँ बाप है हमसे नहीं करेंगे तो बाहर किसी दूसरे से तो जा के नहीं करेंगे। फिर मैं भी यही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ सही बात है, पेरेंट्स ही जो हैं वो अपने बच्चों के नाज नखरे जो है वो थोड़ा बहुत उठाते हैं, बाकी दूसरा लोग तो कोई भी नहीं उठाता। तो ये जो नेशनल मार्ट है इधर हमारे घर के पास, इसमें तकरीबन हर किस्म की वो चीज़ें हैं। छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इधर सारी चीज़ें मिलती हैं। क्रॉकरी वगैरह भी मिल जाएगी आपको, बच्चों के जो है सूट्स वगैरह वो भी मिल जाते हैं, शूज़ हैं, मेकअप की वैरायटी है, सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अभी सारी चीज़ें उधर हर किस्म की तकरीबन चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर उधर से हमने शॉपिंग वगैरह की, शॉपिंग वगैरह करके हम घर आए। फिर शाम को अप्रैश की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर इसको ये होता है ना खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी मेडिसिन से किसी चीज़ से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर यही होता है कि इसको करे बंदा कोई मेडिसिन वगैरह दे उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर यही होता है कि नेबुलाइज वगैरह करवाना पड़ता है, फिर घर में ही इसको नेबुलाइज वगैरह करते हैं। तो बस आज और ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाया था, बस छोटा ही सा व्लॉग बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।